फर्स्ट पार्ट में हमने देखा लॉकडाउन के बाद हम पहली बार स्कूल आते हैं और हम लोगों से सीखा मैम उल्टी सीधे डरावनी बातें करती है जिससे हमें डर लगने लगता है। हम तीनों क्लास में जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे देख के हम डर जाते हैं। तभी शिखा मैम भी वहां आके हम लोगों को क्लास में भगा देती है। हम तीनों जैसे तैसे करके क्लास में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद शिखा मैम भी क्लास में आ जाती है और तभी बेल बज जाती है। सारे स्टूडेंट्स तो क्लास से बाहर चले जाते हैं लेकिन हम तीनों को शिखा मैम वहां रोक लेती है और हमसे डांस करवाती है और थोड़ी देर बाद मैम भी डांस करने लगती है। डांस करते करते मैम बेहोश हो जाती है। उन्हें बेहोश देख के हम तीनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन रास्ते में मैम फिर से हमें मिल जाती है और हमें रोक के रस्सी से बांध देती है। और अब आगे ये रस्सी ऐसे नहीं खुलेगी तो अब क्या करें? हाँ भाई ऐसे थोड़ी ना बंदे रह गए, हमें घर भी तो जाना है। हाँ मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? शिखा मैम। भाई अब वो शिखा मैम नहीं चुड़ैल है। भूल गए क्या तुम? अरे हाँ मुझे याद है, लेकिन इस रस्ते से आजाद होने के लिए शिखा मैम को बुलाना ही पड़ेगा। सॉरी शिखा चुड़ैल को। हाँ ठीक है पर हम तीनों एक साथ बुलाएंगे। ठीक है। शिखा मैम, शिखा मैम, शिखा मैम, शिखा मैम। मैं तुम तीनों को आजाद कर दूंगी। हाँ मैम प्लीज हम तीनों को जल्दी से आजाद कर दो। हाँ हाँ कर दूंगी, तुम तीनों को जान से मारकर हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। पर मैम आपको हमें मारने से क्या मिलेगा? आप तो मर चुकी हो ना और हम जिंदा हैं। हाँ मैम गगन सही बोल रहा है। प्लीज मैम हमें जाने दो। हाँ मैम हमें छोड़ दो, और अगर आपको कोई हमसे हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, बस हमें घर जाने दो मैम। तुम लोग क्या मदद करोगे मेरी? मैं इतने दिन से स्कूल में कैद थी, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। पीसी सर को तो मुक्ति मिल गई लेकिन मैं और डीके सर आज भी उस मटकी में कैद हैं। मैम प्लीज हम तीनों को आजाद कर दो, हम आपको और बीके सर दोनों को आजाद करवा देंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अबे क्यों पड़ रहा है इस चक्कर में, कोई और आइडिया ढूंढना यहाँ से बाहर निकलने का। अरे नहीं भाई हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम शिखा मैम और बीके सर दोनों को आजाद करवा के ही जाएंगे घर। पर मैम बीके सर है कहाँ? बीके सर सेकंड फ्लोर के स्टोर रूम में रहते हैं। रुको मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। बीके सर कहाँ हो आप, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ मैम, किसी को मारना है क्या है? एक दो तीन, किसको मारना है मैम? मैम प्लीज सर से बोलो हमें कुछ ना करें, हमें अभी जीना है, हम मरना नहीं है। और अभी तो मुझे कलुआ के लौंडे से 20 रुपए भी लेने हैं, चॉकलेट भी लेना है, टॉफी भी लेनी है। बीके सर इन्हें कुछ नहीं करना है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और वैसे भी इन्हें मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम इन्हें आजाद कर देंगे तो ये हमें आजाद होने में हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा तो क्या तुम लोग सचमुच हमें आजाद कर दोगे? हाँ सर बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? वहाँ ऊपर एक मटकी रखी हुई है, उसी में हमारी जान अटकी हुई है, ना तो हम उसे छू सकते हैं और ना उसके पास जा सकते हैं। हम उसे छू नहीं सकते लेकिन तुम लोग उसके पास भी जा सकते हो और उसे छू भी सकते हो। ठीक है मैम अभी मैं मटकी लेके आता हूँ, तो तुम दोनों यहीं रुको ठीक है? मैम लेकिन रस्सी तो खोल दो पहले। रस्सी खुल गई है। ठीक है मैम अभी मैं मटकी लेके आता हूँ। लगता है ये वही मटकी है जिसमें सर और मैम की जान अटकी है। हाँ यही वो मटकी है। ठीक है मैम मैं अभी इसको गोली बाबा के पास ले जाके आप दोनों को मुक्त करवा दूंगा। ठीक है तुम तीनों गोली बाबा के पास जाओ, मैं और सर तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है मैम। लगता है वो दिन आ ही गया जब हम दोनों आजाद हो जाएंगे। लगता है यही गोली बाबा है। मुझे तो बाबा से डर लग रहा है। अगर ऐसे डरोगे तो मैम और सर को हम मुक्ति कैसे दिलाएंगे? चलना तो पड़ेगा ही। हाँ राहुल सही कह रहा है, हमने मैम और सर को वादा किया है कि हम उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। चलो फिर।
वाह स्कूल वाले बच्चे आ रहे हैं। मुझे देखते ही भूतों की बंद हो जाती है बोली। मैं हूं बाबा गोली। बाबा जी हम बहुत परेशानी में, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। बेटा तुम परेशान मत हो, गोली बाबा के शरण में आते ही लोगों की सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। बाबा वो बात ये थी कि बस बस गोली बाबा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गोली बाबा को सब पता है। हाँ हाँ सब पता है। पर बाबा जी आपको कैसे पता हमारी प्रॉब्लम क्या है? बेटा इसके लिए बहुत सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बाबा जी बताइए हमारी क्या प्रॉब्लम है? बेटा तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारे स्कूल में बीसी सर, डीके सर और शिखा मैम की मौत कोरोना की वजह से हो गई है और उनकी आत्मा तुम्हारे स्कूल में भटक रही है। बीसी सर को तो मुक्ति मिल गई पर डीके सर और शिखा मैम की आत्मा अभी मटकी में बंद है। बाबा जी आपको तो सब पता है। हाँ बाबा जी आपको तो सब कुछ पता है। राहुल बाबा तो बहुत शक्तिशाली हैं, इन्होंने तो पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट भी पढ़ रखी है। मुझे तो 200% यकीन हो गया कि ये हमारी हेल्प कर देंगे। बेटा तुम्हारा काम तो हो जाएगा पर हवन के लिए कुछ सामान लगेगा। बाबा जो भी सामान लाना है हमें बता दो, वो हम ले आएंगे। बस सर और मैम को मुक्ति दिला दो जल्दी से। ठीक है बेटा सामान लिखो फिर। अरे ये तीनों तो हमसे पहले पहुंच गए बाबा के पास। हाँ बीके सर ये बाबा देखने में तो असली लग रहा है, लगता है आज हमें मुक्ति मिल ही जाएगी इस दुनिया से। हाँ तुम ठीक कह रही हो सिका मैम, चलो बाबा के पास चलते। नहीं नहीं बीके सर, बाबा हमें खुद ही बुलाएगा तभी जाएंगे उनके पास। हाँ ठीक कह रही हो तुम। बेटा 1 किलो कपूर, 2 भैंस के गोबर के उपले, 1 मरा हुआ कबूतर, 2 चिलम और ताऊ ब्रांड तम्बाकू लेकर आना है। बाबा इतना सब कुछ क्यों? ना ना इतना ही नहीं, 1 परफ्यूम डेनवर का और बीवी ने क्या बोला था, हाँ हाँ 2 लिपस्टिक और 2 नेल पॉलिश भी ले आना। बाबा इतना सब कुछ क्यों चाहिए आपको? बेटा आत्मा को खुश करने के लिए ये सब देना पड़ता है। हेलो बेबी। हेलो बेबी। हाँ बेबी तुमको याद है ना मैंने जो बोला था लाने के लिए? हाँ हाँ उसी का तो जुगाड़ कर रहा हूँ डार्लिंग। अच्छा सुनो जी मेरी ना फेयर एंड लवली खत्म हो गई है तो वो भी ले आना। क्या फेयर एंड लवली? अरे हाँ हाँ फेयर एंड लवली। हेलो क्या हुआ बाबा जी, किसका फोन था? वो ऊपर से महादेवी का फोन था। एक सामान छूट गया वो भी ले आना। एक काम करो फेयर एंड लवली भी लिख लो। फेयर एंड लवली? पर बाबा ये क्यों मंगा रहे हो आप, इसका क्या काम है? बकवास मत करो, अगर आत्मा को शांति दिलानी है जल्दी सामान लेकर आओ। पर बाबा इतना सामान ढूंढते ढूंढते तो बहुत दिन लग जाएंगे और हमें घर भी जाना है। अच्छा बाबा अगर हम इन सारा सामान के बदले आपको कैश दे दे तो? कैश? रुको 1 मिनट मुझे ऊपर पूछना पड़ेगा। हेलो सुनो मैं यूं कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें सामान के बदले कैश दे दूं तो तुम अपनी मर्जी से सामान लेना है, ठीक है? ओके हाँ हाँ बात बन गई, कैश भी चलेगा। ठीक है पैसे दो अपने। बाबा जी ये लो पैसे और इस मटकी से आत्मा को हमेशा के लिए आजाद कर दो। शिखा मैम काफी देर हो चुकी है, अब हमें इनके पास चलना चाहिए नहीं तो ये किसी और को मुक्ति दे देगा, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए। दो एकम दो, 2 दूनी 4 बूट मट्टी से बाहर आने को हो जा तैयार। मुझे बात समझ नहीं आ रही, बाबा ने हमसे पैसे लिए थे उसका सामान कहाँ है? हाँ तुम सही कह रही हो। बाबा जी ये बताओ हमने जो आपको पैसे दिए हैं वो उसका सामान कहाँ है?
सामान जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, ज्यादा बकवास मत करो। ठीक है बाबा, आप मंत्र पढ़ो और हमारे सर और मैम को जल्दी आजाद करो। जल्दी से मंत्र पढ़ बाबा और हमें मुक्त कर। हाँ बाबा, जल्दी से मुक्त करो। और यही हमारे दोनों टीचर है जिनकी आत्मा इस मटकी में अटकी हुई है। बस बस, मुझे बस एक मंत्र पढ़ने की देरी है और तुम दोनों इस मटकी से आजाद हो जाओगे। हाँ तो जल्दी करो, इतना देर क्यों कर रहे हो? अरे हाँ हाँ, कर तो रहा हूँ। पता नहीं हो कौन सा नशा करता है, मेरा यार सबसे वफा करता है, वफा करता है, वफा करता है। बाबा, आपने तो सच में भूतों को भगा दिया, आप तो बहुत शक्तिशाली निकले। अरे मैं हूँ बाबा गोली, मेरे सामने भूतों की हो जाती बंद बोली। अच्छा बाबा, ये बताओ आपको पैसे कितने देने हैं? ऐसा है, जो मेरा चारस था वो तो हमने अपनी महरारू के लिए ले लिया। बाकी अब सब कुछ हो गया है, तुम अपने स्कूल जा सकते हो। अच्छा बाबा, अब ये दोनों हमारी स्कूल में वापस तो नहीं आएंगे ना? बेटा वो लोग वहाँ चले गए हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता, बस अब उनकी याद ही आएगी। ठीक है बाबा, अब हम स्कूल जा रहे हैं, अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। बस ठीक है बाबा, अभी नमस्ते। मुझे तो उठाओ। ठीक है बाबा, राम राम। बाबा गोली की जय। बाबा गोली की जय। जाओ जाओ।